हेलो गाइस, नमस्कार। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में जिस जेल वेक क्रीम के बारे में बताने जा रहा हूं वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह कोई लाइटिंग नहीं है, और गाइस मैं आपको बता दूं, ये कोई फेयरनेस क्रीम नहीं है। अगर ये क्रीम आपके लिए, अगर बेनिफिट पे आपके लिए फायदेमंद है, तो आप इस वीडियो तक एंड तक बने रहना। मैं आपको बता देता हूँ, ये एलर्जी बैक्टीरिया आपके शरीर में कई खुजलीदार होती हैं, तो आप इस क्रीम के लिए फायदेमंद रहेंगे। तो आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। गाइस मैं आपको बता दूं, आप इस वीडियो इंटरेस्टिंग देखने में है, आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तभी इस वीडियो को एंड तक देखना। गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी स्किन के लिए किस तरह से फायदेमंद होता है। तो नॉर्मली गाइस, एलर्जी इन्फेक्शन एक ऐसी है जो इंसान के अड़ने से हो जाता है, इंसान को टच होने से ये स्टार्ट हो जाता है। इंसान ऐसा कुछ खा लेता है जिससे हमारी स्किन पे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, स्किन पे ऐसी कई दवा का उपयोग कर ले जिससे हमारी स्किन पे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो गाइस इसका सोल्यूशन आज मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक क्रीम के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आपकी स्किन के एलर्जी, आपके स्किन के बैक्टीरिया को मारने में अच्छी हेल्प करेगा। स्किन रेड हो रही है तो उसको भी हटाने में अच्छी हेल्प करेगा। ज्यादा आपकी स्किन पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी स्किन ज्यादा खुजली हो रही है, तो ये क्रीम आपके लिए सबसे बेस्ट है। कि मैं आपको बता देता हूँ इस क्रीम का नाम और इसके यूज के बारे में बताऊंगा, और इसके बारे में आपको बता दूंगा, बेनिफिट के बारे में आपको बता दूंगा। अब मैं बता देता हूँ इस क्रीम के बारे में, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। तो इसका नाम है डर्मिकम ओसी प्लस क्रीम। ये एक बैक्टीरिया क्रीम है जो आपकी स्किन को बैक्टीरिया को मारता है। एलर्जी वाली एक क्रीम है जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। जो आपके किसी पर कौन सी भी एलर्जी है, वे आप इस आपके किसी भी घर वालों, किसी को भी प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो ये उस वहां पर यूज करोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये भारी उपयोग के लिए ये दवाओं से मिलकर बनी है, और वे इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। ये भारी सूक्ष्म जीवों के लिए उपयोग किया जाता है। वे संक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारता है, उनको वह बिल्कुल खत्म कर देता है, जिससे उस पर बैक्टीरिया है तो वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, यह हमारी स्किन के ऐसे सूक्ष्म जीवों को मारता है जिससे वह बैक्टीरिया वे कीटाणुओं को मारता है जो ज्यादा एलर्जी फैलाता है। स्किन वे आपके किसी पर कौन से भी वे ऐसे पार्ट्स पे एलर्जी हो जाती है, वे बिल्कुल खत्म नहीं हो रही है, तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपने ऐसे कई क्रीमों का उपयोग करा फिर भी उससे खत्म नहीं हुआ, तो यह आपके लिए सबसे डर्मिकम ओसी प्लस क्रीम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। उसको एलर्जी को खत्म करने के लिए बार बार आना स्टार्ट हो चुके तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कई इंग्रेडिएंट अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है जो बिल्कुल उनको फंगल इन्फेक्शन को खत्म करने में अच्छी हेल्प करेगा। आपकी लाली में आ चुके, सूजन आ चुकी है, और ऐसा कई इन्फेक्शन है जो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। बात करते हैं इसके यूज के बारे में। तो गैस आपको उसको बिल्कुल किसी को धोना नहीं है, उस पर वैसे ही लगाना है। गैस आपको मैं बता दूं, एक बार उंगली के लेने के बाद उसको वापस क्रीम पे नहीं लगाना, ओनली फॉर उसके उंगली के लेने के बाद ओनली फॉर वे जिस जगह पर आप वे एलर्जी उस पर लगाना है, और उसके बाद उंगली को वापस धो लेना, वापस क्रीम पर नहीं लगाना, जितनी लगानी है उतना ही लेना, वापस क्रीम पर नहीं लगाना। अब क्यों नहीं लेना, आपको इसके रीजन में आपको बता दूं, अगर आप इस उंगली वाले लगाने वापस दूसरी बार लेते हो तो उसके कीटाणु आपके वह क्रीम तक चले जाएंगे, और वह क्रीम ज्यादातर आपके स्किन को जल्दी वह ठीक नहीं करवाएगी, इसलिए एक बार लेने के बाद वापस नहीं लेना है क्रीम पर। तो आपको मैं बता दूं, इस तरह से इसको यूज करना है, दिन में 2 बार इसको यूज कर सकते हो, घर पे ज्यादा रुकते हो तो इसको 3 बार भी आप उपयोग कर सकते हो। गाइस अब आपको मैं बता दूं इसके और बारे में। तो गाइस ये एक ऐसी फंगस क्रीम है जो आपकी स्किन किसी पर कौन से भी बैक्टीरिया, आप इसको उपयोग कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों इसका उपयोग कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप अगर डॉक्टर से डिस्कस करके ही इसको यूज करना, गाइस मैं आपको बता देता हूँ, डिस्कस करके ही यूज कर सकते हो। गर्भवती महिला तो भी आप इसको डॉक्टर से डिस्कस यूज करना। गाइस खुद से कभी भी इस क्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए, एक मेडिकेटेड क्रीम है, दवाओं से मिलकर बनी है, इसलिए खुद से इस क्रीम का उपयोग नहीं करना। गाइस वैसे आज के वीडियो में इतना था, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है तो लाइक कर देना।